नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार से जो खबर सामने आ रही है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये खबर इस बात की वानगी प्रस्तुत करती है। बिहार में जो BJP और JDU का, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो दावा है सुशासन का, उस दावे और उस हकीकत के बीच क्या फासला है, ये खबर उसकी वानगी प्रस्तुत करती है। बड़ी खबर है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पिता की हत्या कर दी गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं मुकेश सहनी, VIP पार्टी के संरक्षक हैं और उनके पिता की हत्या कर दी जाती है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है, खबर दरभंगा से है, बिहार के दरभंगा से है। मुकेश सहनी का ताल्लुक बिहार के इसी जिले से है और यही से खबर आ रही है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है और उनकी छत विछत लाश जो है दरभंगा जिले के सुपौल बाजार में अफजला पंचायत स्थित घर के अंदर ही मिली है और मौके पर पहुंची है पुलिस सूचना मिलने पर और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी ने इस घटना की पुष्टि की है, वो खुद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, VIP पार्टी के संरक्षक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर उनके पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है और बहुत निर्मम तरीके से हत्या हुई है, बहुत निर्ममता से उनके पिता की हत्या कर दी गई है। तो एक सरकार के एक पूर्व मंत्री की हत्या कर दी जाती है, एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है, माफ कीजिएगा, जीतन सहनी की हत्या हो जाती है। मुकेश सहनी बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं कई महीनों तक, बिहार की राजनीति के एक जाना माना नाम है और उनके पिता की हत्या को लेकर खबर आ रही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो दावा बिहार में कानून के राज का, जो दावा बिहार में सुशासन के राज का होता है, उसकी स्थिति क्या है। ऐसी कई हत्याओं की घटना सामने आई है, गर्दनी बाग में ही, पटना के गर्दनी बाग में इस वक्त मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, वहीं उसी इलाके से कल दो बच्चों की लाश सामने आई, दो बच्चों की बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और ये मामला भी आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। तो बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और दावा जो सुशासन का होता है, दावा ये होता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, तो उस दावे और उस हकीकत के बीच क्या फासला है, ऐसी घटनाएं उसकी वानगी भर हैं। मुकेश सहनी जैसे रसूखदार नेता, मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, अंदाजा लगा लीजिए जो हत्यारे हैं उनके जो हौसले हैं, अपराधियों के हौसले हैं किस कदर बुलंद हैं और किस कदर बुलंद होंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, VIP पार्टी के सुप्रीमो, बिहार की राजनीति का एक जाना माना चेहरा, बिहार की राजनीति का एक जाना माना नाम और उनके पिता जीतन सहनी की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, बिल्कुल निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो जाहिर तौर पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, सुशासन के दावे पर, कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।